660 सीसी की गाड़ी अभी जो रेगुलेटरी ड्यूटी हटाई है उसके बाद से जो उसकी ड्यूटी का अमाउंट है जो सिर्फ गवर्नमेंट के मद में जाता है वो मेरे ख्याल से 8 से 9 लाख रुपए। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें वो ये हैं कि जो गाड़ियां अभी ऑल ऑफ सडन ड्यू टू इस ऑर्डर के बाद रिलीज़ हुई हैं वो पिछले एक साल से यहां पर पोर्ट पे खड़ी थी। जब जो गाड़ियां अराइव्ड हुई थी उस वक्त के डॉलर रेट को अगर आप आज के डॉलर रेट को देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा ये है कि डैमेज भी इनको एक साल का देना पड़ गया, हायर द रेट हायर द ड्यूटी। जापान सबसे बड़ी सप्लाई लाइन है जहाँ से ये गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, तो वहाँ पर जो परचेजिंग होती है तो वहाँ ऑनलाइन ओपन बिडिंग होती है। तो ओपन बिडिंग में जो आप जब यहाँ पर जब चीज़ें वो क्या होती हैं वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं होती, वो कोई ज़ीरो मीटर गाड़ियाँ नहीं हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जब डिमांड जहाँ से जाती है तो वहाँ पर ऑक्शन के रेट बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो कम ना होने की एक और अहम वजह भी ये है कि चूँकि अभी जितने भी हमारे लोकल असेंबलर्स हैं उनकी प्रोडक्शन लाइंस बंद हैं क्योंकि उनकी एलसीज नहीं खुल रही, तो वो भी जो है सप्लाई मार्केट में नहीं है जितनी डिमांड है। तो इसलिए इन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए ये सोचना कि प्राइजेस कम होंगी और फ़ौरन कम होगी ये नामुमकिनात में से है। और फिर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये डायरेक्शन लेस है, बड़ी वोलाटाइल चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से जो है वो इकॉनमी भी आपकी बहुत वोलाटाइल है और आए दिन जो नई नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं उसकी वजह से मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है ये जो है चीज़ों को स्टेबल होने नहीं दे रही। आने वाले उस सूरत में आ सकता है कि जब हमारे मुल्क में कोई प्रॉपर गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी हो, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपके जो इंटरनेशनल मुहाइदे हैं जो IMF के साथ आप करने जा रहे हैं वो जब होंगे, जब तक डॉलर की एक सर्टन वो नहीं होगी एक वेरिएशन के इतना वेरी करता है 2 से 3 रुपये या 4 रुपये, उस वक्त तक आप स्टेबिलिटी का नहीं सोचते। सर आप लास्ट 6 मंथ का डेटा उठा के देखें, ऑल ऑफ सडन कभी हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ 20-20 रुपये 25-25 रुपये 50 रुपये की जो जंप्स लगे हैं। उस वजह से ये डिपेंड करता है कि आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इलेक्शन अगर होते हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है और उस इलेक्शन पे क्वेश्चंस नहीं टेकअप किए जाते और लोग उस पे आमीन करते हैं तो फिर जो हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी सूरत में ये इम्पैक्ट आएगा। फिर पाकिस्तान में जो हमने अपने सीनियर से सुना है और जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो 8 से 9 लाख गाड़ियों की डिमांड है। ठीक है, उनमें से कुछ गाड़ियाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी या भेजते थे जो कि जब 5 साल की स्कीम थी तो उनकी तादाद बड़ी रीजनेबल किस्म की थी, फिर जब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस की तो वो तादाद कम होती गई, फिर RD लगाने से तो वो तादाद बिल्कुल कम हो गई। तो ये जो पाकिस्तान की डिमांड है, फिर ये लोकल असेंबलर और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भेजी हुई गाड़ियों से हम इसको पूरा करते थे। अब जो लोकल असेंबलर हैं उनकी जिस तरह आए दिन आप सुनते रहते हैं कि उनकी जो है वो प्लांट बंद हो रहे हैं, तो लाजमी बात है डिमांड इट्सेल्फ अपनी जगह कायम है, सप्लाई नहीं है और फिर करेंसी की फ्लक्चुएशन जो है वो टोटल अनसर्टेन है, उसमें आप कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि आने वाले वक्तों में डॉलर और पाक रुपीस का क्या कन्वर्जन रेट होता है। तो इस सूरत में हर बंदा ये अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर एक अनार हो और 100 बीमार हो तो हो क्या सूरत हाल होगी। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।